अरे वाह, ये सब क्या तैयारियां हो रही है? कुछ नहीं माँ जी, ये शादी का छोटा सा फंक्शन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरे लायक कोई काम हो तो कहना है। विजय जी, आप अभी तक यहीं बैठे हो जी, क्या कुछ समस्या बाकी है? भाजी समस्या कैसी? खाने पीने की? नहीं नहीं, यूं ही बस। क्या बात क्या है? कोई समस्या नहीं है माँ जी, क्योंकि ये फंक्शन तो मैं अकेली कर रही हूँ, इसलिए कोई समस्या आई नहीं, सब कुछ हो चुका है। अरे अकेली कितना करोगी? देख, वो औरतों को गिफ्ट्स देने की होती है ना, वो सब आइटम्स मैं तय कर लूंगी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। ऐसे भी तेरी पसंदगी जरा अजीब सी होती है, थकी थकी मरी मरी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, फंक्शन मैं कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोच के रखा है किसको क्या देना है। प्लीज अब आप जाकर आराम कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, आराम तो है ही। बाकी ये तो बता कि तूने क्या सोचा है। जब दूंगी तब देख लेना आप। प्लीज अब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे इन लोगों के साथ कुछ तय करना है। तो करो ना, एक बार बता तो दो क्या सोचा है। वैसे तुमने अच्छा ही सोचा होगा। एक छोटा सा कटलरी सेट देने का सोचा है मैंने। मैं जानती थी कि तू ऐसी ही बेतुकी चीज सोचेगी। किसी किसी को मैं छोटी सी मेकअप किट दूंगी। भगवान, बेकार है तो है, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ बस। अब प्लीज आप बीच में कुछ मत बोलिए। हद हो गई। अरे सच बात बताना भी गुनाह हो गया? अरे घर की बात है इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है? जी वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर आप लोग अगर इजाजत दे और छोटे मुंह बड़ी बात ना लगे तो मैं एक सुझाव दूं। तुम तो रहने ही दो, तुम्हें क्या पता कि औरतों को क्या देना चाहिए। नहीं नहीं, तुम बोलो, तुम जो कहोगे मैं मानूंगी। मेरे ख्याल से ना सभी को एक एक पैर कैसरोल देना चाहिए, आजकल उसकी बहुत फैशन है। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। ठीक है मैं वही दूंगी। मेरे पुरुषोत्तम की भी क्या किस्मत है कि ऐसी बीवी मिली। क्या हुआ दादी माँ? हो रहा क्या था? कभी समझदारी की बात की है सौंप करेगी। लेकिन माँ जी ने तो कुछ कहा ही नहीं है, जो जो आपने कहा था वही तैयारियाँ तो की है। क्या खाक तैयारी की है? खाने की चीजें ऐसी चुनी है कि इंसान खा ही ना सके। अरे नानावटी परिवार में शादी है तो दावत तो शानदार होनी चाहिए, पर यह है कि वही पुरानी आइटम्स बनवा रही है। लेकिन आपने तो केटरर का नाम सजेस्ट किया था। पर उससे यह नहीं हो सकता था कि मेनू तय करने के पहले मुझे एक बार पूछ तो लेती। पर नहीं, मैं जानती हूँ वो ये सब इसलिए कर रही है कि अभय की शादी मेरी पसंद की लड़की से हो रही है और उसकी एक नहीं मानी गई। पर वो नहीं जानती कि मैं उसे मनमानी नहीं करने दूंगी। मतलब अब दूसरा केटरर बुलाएंगी? नहीं अब तो वो नहीं हो सकता, पर मैं उस विजय के बच्चे को फोन जरूर करूंगी और कहूंगी कि मेरी पसंद की चीजें भी खाने में जरूर लगवाए। अरे इतना सा था कल, अब बड़ा केटरर बन गया है। हाँ यही ठीक रहेगा।